हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। उसके लिए मैंने कुछ प्लेट में रखे हुए हैं सामग्री आप लोग को दिखाने के लिए। पहला है गोभी, जिसको मैं उबाल के रखी हूँ प्लेट में। धनिया पत्ता है, मिर्च है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, ये प्याज और शिमला मिर्च है। अब मैं बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया और इसमें रिफाइंड तेल डाला है। रिफाइंड तेल गर्म हो रही है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है। अच्छे से बटर को मैं मिलाई हूँ। जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे मिलाना है ऐसे ही। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए मैं डाल रही हूँ अब लहसुन। अब मैंने मिर्चाई इसमें डाला है। आपको जैसा पसंद है तीखा में वैसा आप डाल सकते हैं। अब मैं प्याज डाल रही हूँ और सभी को मैंने एक साथ लेके मिला दिया अच्छे से कढ़ाई में। अब मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया और फिर इसे सबको एक साथ लेके मिला रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये थोड़ा गलेगा उसके बाद मैं फिर सब कुछ डालूंगी। अब मैंने टमाटर भी डाल दिया है। ये पूरे अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल चुकी हूँ और फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी साथ में ही और इसको मैं मिला रही हूँ। कढ़ाई थोड़ा हिल रहा है, कोई बात नहीं। ये है गोभी उबली हुई और अब मैं ये डालने जा रही हूँ गोभी। और फिर डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कि पाव भाजी बनाना है ना, तो भाजी पूरा नहीं मिक्स रहता है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और मैं अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। लगता है जैसा कि चिकन बना रही हूँ वैसा है ये कलर, कितना खूबसूरत है। ये अब उबलने लगे हैं, मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ। अब मैं इसके बाद पाव भाजी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने बटर डाला है और बटर को मैं मेल्ट कर रही हूँ और इसमें थोड़े से पाव भाजी मसाला मैं डाल रही हूँ जिससे कि अब ब्रेड सेकूँगी। और मैं ब्रेड सेक के साइड करते जा रही हूँ, कुछ ब्रेड और सेकूँगी और सबको एक साथ अच्छे से सेक के फिर मैं प्लेट में सर्व करके आप लोग को दिखाऊँगी। इतना खूबसूरत दिख रहा है ये कलर, देखिए। ये देखिए खूबसूरती इतना बढ़ गई है जब प्लेट में मैं पाव भाजी को सजाई हूँ। लग रहा है वो चिकन है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन